गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स आई एम डीएम रोकड़े वेलकम माय मैथ पीरियड और आज हम देख रहे हैं सेकेंड चैप्टर टू सेकेंड चैप्टर फोर डिजिट नंबर्स ओके फोर डिजिट नंबर्स में लास्ट पीरियड में मैंने आपको बताया था सक्सेसर एंड प्रेडिसेसर ओके और उसी की एक्सरसाइज भी मैंने आपको दी थी आशा करता हूँ कि आपने ये एक्सरसाइज सॉल्व की होगी कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी क्योंकि किसी ने भी मुझे मैसेज सेंड नहीं किया है इस एक्सरसाइज के बारे में या फिर कोई प्रॉब्लम है इस तरीके से तो आज हम देख रहे कंपेयरिंग नंबर्स ओके आज हम देख रहे कंपेयरिंग नंबर्स नंबर विथ डिफरेंट नंबर ऑफ डिज़िट ओके नंबर विथ डिफरेंट नंबर ऑफ डिजिट्स सो फर्स्ट रूल अ नंबर हैविंग मोर नंबर ऑफ डिज़िट्स इज़ ग्रेटर दैन द नंबर हैविंग लेजर नंबर ऑफ डिज़िट ओके मतलब क्या है कि आपको डिफरेंट डिजिट में कुछ नंबर्स यहाँ पे दिए जाएंगे तो उनमें से आपको आइडेंटिफाई करना है कि विच इज़ ग्रेटर लाइक दैट एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं यहाँ पे तो सबसे पहले विच इज़ ग्रेटर ओके सो फर्स्ट ये वन हंड्रेड थर्टी सिक्स और सेवेंटी नाइन ओके चलिए हम इसको लिख लेते हैं वन हंड्रेड थर्टी सिक्स ओके और सेवेंटी नाइन, सो विच इज़ ग्रेटर विच इज ग्रेटर ओके अगर आप ध्यान से इसको देखेंगे तो आपको आ, देखते बराबर ही आपको आंसर मिल जाएगा कि कौन सा नंबर ग्रेटर है यस थिंक अबाउट सो 136 इज़ अ ग्रेटर नंबर व्हाई? बिकॉज़ प्रेजेंट इन थ्री डिजिट ये जो नंबर फॉर्म हुआ है ये थ्री डिजिट में फॉर्म हुआ है और दिया हुआ सेकेंड नंबर जो है वो आपका टू डिज़िट में है ओके तो ऐसे में क्या होता है कि जो लार्ज डिजिट डिजिट्स होते हैं मोर देन डिजिट्स जिस नंबर में होते हैं वही नंबर क्या होता है ग्रेटर नंबर होता है ओके तो हमें पता चल गया कि ये थ्री डिजिट में है और ये टू डिजिट में है तो हमेशा थ्री डिजिट वाला नंबर ही ग्रेटर नंबर रहेगा ओके तो हम इसको लिख लेते हैं कि वन हंड्रेड थर्टी सिक्स इज़ ग्रेटर दैन सेवेंटी नाइन ओके तो पहला नंबर ग्रेटर है इसलिए हमने क्या किया इसको यहाँ पे ग्रेटर दैन का सिंबल दिया है क्योंकि सेवेंटी नाइन से वन हंड्रेड थर्टी सिक्स क्या है बड़ा है ओके ग्रेटर है मतलब यहाँ पे टू डिजिट है और यहाँ पे थ्री डिजिट है ऐसे ही अगर हम इसको थोड़ा अगर चेंज करते हैं ओके चेंज तो करना नहीं है किसी भी एग्जाम्पल्स में लेकिन आपको बताने के लिए कि ये सिंबल कैसे चेंज होता है ओके फर्स्ट नंबर लार्ज है फर्स्ट नंबर ग्रेटर है इसलिए हमने ग्रेटर दैन सिंबल दिया है दैन द सेकेंड ओके सेकेंड नंबर छोटा है फर्स्ट नंबर बड़ा है इसलिए हमने ग्रेटर दैन सिंबल दिया है अगर हम इसको इस तरीके से लिखते हैं कि सेवेंटी नाइन ये अगर पहले फर्स्ट नंबर होता है और आपका सेकेंड नंबर अगर वन हंड्रेड थर्टी सिक्स होता है तो ऐसे में आपको ये ग्रेटर दैन सिम्बॉल नहीं लगेगा ओके इसके जगह पे क्या यूज़ करना है आपको फिर लेस दैन सिम्बॉल बिकॉज़ फर्स्ट नंबर इज़ अ स्मॉल नंबर दैन द सेकेंड नंबर ओके तब यहाँ पे स्मॉल नंबर यूज़ होता है ओके दिए हुए फॉर्मेट में ही हमें लिखना है ओके वन हंड्रेड थर्टी सिक्स पहले है तो वन हंड्रेड थर्टी सिक्स ही हम पहले लिखेंगे ओके और बाद में सेवेंटी नाइन लिखेंगे ध्यान में रखना और जो सिंबल यहाँ पे रेस्पेक्टिवली आता है वही सिंबल हमें लिखना है सो नेक्स्ट इज अट हंड्रेड थर्टी सिक्स ओके सेकेंड एग्जाम्पल एट हंड्रेड थर्टी सिक्स एंड एंड फोर थाउजेंड थ्री हंड्रेड फिफ्टी फोर फोर थाउजेंड थ्री हंड्रेड फिफ्टी फोर तो इस तरीके से जब हम यहाँ पे लिखते हैं तो यहाँ पे देखिए विच इज़ ग्रेटर सो एट हंड्रेड थर्टी सिक्स एंड फोर थाउजेंड थ्री हंड्रेड फिफ्टी फोर सो दिस इज़ फोर डिजिट नंबर एंड दिस इज थ्री डिजिट नंबर सो ऑलवेज लार्जेस्ट डिजिट नंबर आर ग्रेटर नंबर मतलब जिस नंबर में ज़्यादा डिजिट्स होंगे मोर देन डिजिट्स सो वो नंबर ही आपका ग्रेटर नंबर होगा ओके सो थ्री डिजिट एंड फोर डिज़िट सो फोर थाउजेंड थ्री हंड्रेड फिफ्टी फोर ओके ग्रेटर दैन ऐट हंड्रेड थर्टी सिक्स तो एट हंड्रेड थर्टी सिक्स से ये बड़ा हो जाएगा ओके okay? तो so, इस तरीके से हमने देखा है कि विच इज़ ग्रेटर सो और यहाँ पर अगर लिखते तो ये इस तरीके से ओके okay? ध्यान में रखना विच इज़ ग्रेटर कहा गया है सो विच इज़ ग्रेटर सो फोर थाउजेंड थ्री हंड्रेड फिफ्टी फोर इज़ ग्रेट ग्रेटर देन एट हंड्रेड थर्टी सिक्स ओके सो नेक्स्ट है कि नंबर्स विद द सेम नंबर ऑफ डिजिट टू कंपेयर टू फोर डिजिट नंबर्स फर्स्ट कंपेयर द डिजिट्स एट द थाउजेंड प्लेस इफ दे आर इक्वल कंपेयर द डिजिट्स एट द हंड्रेड प्लेस एंड द आर आल्सो इक्वल कंपेयर द डिजिट्स एट द टेंस प्लेस देन इफ दे आर ऑल्सो इक्वल कम्पेयर द डिजिट्स टू द व तो ओके स्टूडेंट्स तो इस तरीके से आ, आपको नंबर्स विद द सेम नंबर ऑफ़ डिजिट्स में करना है सबसे पहले अगर सेम नंबर आते हैं तो आपको थाउजेंड प्लेस लेना है थाउजेंड अगर सेम आते हैं तो आपको हंड्रेड प्लेस लेना है हंड्रेड प्लेस अगर सेम है तो आपको टें प्लेस लेना है ओके okay? और टें प्लेस अगर सेम है तो आपको वंस प्लेस में जाना है और वहाँ से आपको कंपेयर करना है लाइक like दैट uh, कुछ एग्जाम्पल्स uh, हम इसके बारे में देखने वाले हैं कि वाई कंपेयरिंग टू नंबर्स ऑलवेज स्टार्ट कंपेयरिंग द डिजिट्स फ्रॉम द फॉर लेफ्ट मोस्ट प्लेस ओके अभी यहाँ पे देखिए यही नंबर मैं आपको बता रहा हूँ ओके थ्री थाउजेंड टू हंड्रेड फोर्टी सिक्स ओके अभी यहाँ पे देखिए कि मैंने दो नंबर यहाँ पे लिख लिए हैं दिस इज वंस टेंस हंड्रेड एंड थाउजेंड वंस टेंस हंड्रेड एंड थाउजेंड ओके अभी यहाँ पे देखिए फर्स्ट नंबर ओके फर्स्ट नंबर जो है थ्री एंड थ्री आर इक्वल थ्री और थ्री क्या है इक्वल तो हमने uh, क्या देखा है थाउजेंड प्लेस हमने देखा है थाउजेंड प्लेस आर सेम सो यू कैन गेट हंड्रेड प्लेस सो हंड्रेड प्लेस टू ओके हंड्रेड प्लेस में यहाँ पे क्या है टू और हंड्रेड प्लेस में यहाँ पे क्या है फोर ओके सेकेंड नंबर में फोर है और फर्स्ट नंबर में टू है सो विच इज़ ग्रेटर सो फोर इज़ ग्रेटर देन टू इज़ लेस देन फोर टू इज़ लेस देन फोर क्योंकि टू जो है ये फोर से छोटा है इसलिए हमने लेस देन सिंबल का यूज़ किया है ओके टू इज़ लेस देन फोर सो थ्री थाउजेंड फोर हंड्रेड सेवेंटी एट इज़ अ ग्रेटर नंबर ओके सो थ्री थाउजेंड टू हंड्रेड फोर्टी सिक्स इज़ लेस देन थ्री थाउजेंड फोर हंड्रेड सेवेंटी एट अभी यहाँ पे एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं कि लाइक दैट थ्री थाउजेंड टू हंड्रेड फोर्टी एट ओके और एक नंबर लिया है हमने थ्री थाउजेंड टू हंड्रेड फोर्टी नाइन ओके फोर्टी एट एंड फोर्टी नाइन तो आपको देखने से ही पता चलता है कि कौन सा नंबर लार्ज होगा कौन सा नंबर बड़ा होगा विच इज़ नंबर आर ग्रेटर तो यहाँ पे देख सकते हैं ये थ्री थाउजेंड प्लस में थ्री आर इक्वल देन टू एंड टू आर इक्वल फोर एंड फोर आर इक्वल बट एट एंड नाइन ओके विच इज ग्रेटर सो एट एंड नाइन सो एट इज अ लेस देन एट लेस देन नाइन ओके okay. नाइन से एट क्या है छोटा है ओके सो थ्री थाउजेंड टू हंड्रेड फोर्टी एट इज़ लेस देन थ्री थाउजेंड टू हंड्रेड फोर्टी नाइन तो इस तरीके से हम इसको क्या करते हैं कंपेयर करते हैं ओके okay. समझ में आए स्टूडेंट्स उसके बाद है ऑर्डरिंग नंबर्स ओके ऑर्डरिंग नंबर्स में देखिए कि असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर ओके हमें यहाँ पे देखना है असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर असेंडिंग मीन्स अरेंजिंग द नंबर्स फ्राम द स्मॉलेस्ट टू ग्रेट ओके असेंडिंग ऑर्डर में हमें उन नंबर्स को स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट अरेंज करना है और उसके बाद डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स अरेंजिंग द नंबर्स फ्राम द ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट ओके एक एग्जाम्पल यहाँ पर दिया है वो हम देखने वाले हैं तो सबसे पहले इस एग्जाम्पल को देखिए कि राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन अ डिसेंडिंग एंड असेंडिंग ऑर्डर ओके तो सबसे पहले सिक्स थाउजेंड एट हंड्रेड फिफ्टीन फाइव थाउजेंड नाइन हंड्रेड थर्टी सिक्स एट थाउजेंड फोर्टी थ्री सिक्स थाउजेंड नाइन हंड्रेड ट्वेंटी फोर फोर थाउजेंड फिफ्टीन थ्री हंड्रेड ट्वेंटी सेवन एंड देन एटीन सो स्टेप फर्स्ट फर्स्ट वी अरेज द गिवन नंबर्स इन प्लेस वैलू प्लेस वैल्यू चार्ट एज शोन तो प्लेस वैल्यू चार्ट हम इसका बना सकते हैं ओके फर्स्ट वी अरेंज द गिवन नंबर्स इन प्लेस वैल्यू चार्ट अभी यहाँ पे देखिए है देखिए कि सबसे पहले जो देखेंगे तो एट सिक्स फाइव फोर ओके ऑन कंपेयरिंग द डिजिट्स इन द थाउजेंड प्लेस यू वुड नोटिस अभी यहाँ पर देखिए थाउजेंड प्लेस यहाँ पर थाउजेंड प्लेस अवेलेबल है नहीं है यहाँ पर है नहीं है लेकिन फोर सिक्स एट फाइव और सिक्स इनमें आपको uh, थाउजेंड प्लेस नज़र आ रहा है दैट इज़ द वंस टेंस हंड्रेड एंड थाउजेंड वंस टेन्स हंड्रेड एंड थाउजेंड सो फोर सिक्स एट फाइव ओके सिक्स रिपीट है तो यहाँ पर देखिए एट ओके एट सिक्स फाइव एंड फोर तो इस तरीके से आप कंपे कंपेयरिंग कर सकते हो थाउजेंड प्लेस को उसके बाद देर आर टू नंबर्स विद डिजिट सिक्स एट द थाउजेंड प्लेस ऐसे दो नंबर है जहाँ पे थाउजेंड प्लेस में सिक्स है ओके तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं तो डिसेंडिंग सीरीज में तो सबसे पहले हम देख रहे हैं डिसेंडिंग ऑर्डर ओके डिसेंडिंग ऑर्डर में आपने कंपेयरिंग करके देखा है

थ्री ओके एट थाउजेंड फोटी थ्री सॉरी एट थाउज़ेंड फोर्टी थ्री ये ऊपर एट थाउज़ेंड फोर्टी थ्री तो सबसे पहले हम लिखेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में एट थाउज़ेंड फोर्टी थ्री ओके एट थाउज़ेंड फोटी थ्री होने के बाद आपके सामने थाउज़ेंड प्लेस में सिक्स है और यहाँ पे भी सिक्स है ओके आर सेम तो हमने बताया कि आपको हंड्रेड प्लेस में जाना है ओके okay. यहाँ पे एट है और यहाँ पे नाइन है सो विच इज़ ग्रेटर सो नाइन इज़ ऑलवेज ग्रेटर दैन एट सो सिक्स थाउजेंड नाइन हंड्रेड ट्वेंटी फोर देन नेक्स्ट इज़ सिक्स थाउजेंड एट हंड्रेड फिफ्टीन ओके सिक्स थाउजेंड एट हंड्रेड फिफ्टीन then नेक्स्ट फाइव थाउजेंड नाइन हंड्रेड थर्टी सिक्स ओके फाइव थाउजेंड नाइन हंड्रेड थर्टी सिक्स उसके बाद है फोर थाउजेंड फिफ्टीन ओके देन नेक्स्ट इज अ थ्री हंड्रेड ट्वेंटी सेवन एंड लास्ट इज अटीन ओके ये हो गया आपका डिसेंडिंग ऑर्डर ओके डिसेंडिंग ऑर्डर इस तरीके से आप लिख सकते हो कंपेयर कर सकते हो थाउजेंड प्लेस को और वो नंबर आपको सबसे पहले लिखने हैं अगर कुछ थाउजेंड प्लेस में अगर आ, रिपीट है सेम नंबर है तो आपको हंड्रेड प्लेस में जाके आ, उसको देखना पड़ेगा कि कौन सा नंबर बड़ा है ओके जैसे हमने यहाँ पे करके देखा था उसके बाद आते हैं हम असेंडिंग ऑर्डर में तो आपका ये असेंडिंग ऑर्डर बहुत ईजी हो गया अभी।, अभी अभी आपको इधर से स्टार्ट करना है असेंडिंग मीन्स स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट तो आपको इस तरीके से लिखना है दैट इज़ द एटीन थ्री हंड्रेड ट्वेंटी सेवन ओके थ्री हंड्रेड ट्वेंटी सेवन आफ्टर फोर थाउजेंड फिफ्टीन फोर थाउजेंड फिफ्टीन फाइव थाउजेंड नाइन हंड्रेड थर्टी सिक्स सिक्स थाउजेंड एट हंड्रेड फिफ्टीन सिक्स थाउजेंड नाइन हंड्रेड ट्वेंटी फोर एंड एट थाउजेंड फोर्टी थ्री ओके 8043. तो इस तरीके से हम इनको सॉल्व कर सकते हैं तो यहां पे हमने देखा है ऑर्डरिंग नंबर्स में असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर ओके उसके बाद है फॉर्मिंग द स्मॉलेस्ट एंड द लार्जेस्ट फोर डिजिट नंबर ओके फॉर्मिंग द स्मॉलेस्ट एंड द लार्जेस्ट फोर डिजिट नंबर लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट फोर डिजिट नंबर को आपको क्या करना है फॉर्म करना है सो वेन डिजिट आर नॉट रिपीटेड यानी वो नंबर रिपीट नहीं होने चाहिए द स्मॉलेस्ट फोर डिजिट नंबर यूजिंग द डिजिट्स सेवन थ्री वन नाइन कैन बी फॉर्म बाय अरेंजिंग द डिजिट्स इन असेंडिंग ऑर्डर ओके सो दैट इज वन थाउजेंड वन थ्री सेवन नाइन द रिक्वायर्ड नंबर इज़ 1379 थाउजेंड थ्री हंड्रेड सेवेंटी नाइन इज अ स्मॉलर नंबर द लार्जेस्ट फोर डिजिट नंबर यूजिंग द डिजिट्स एट ओके इन नंबर्स को आपको क्या करना है असेंडिंग और डिसेंडिंग फॉर्म में लगाने के बाद आपको इजीली ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर मिल जाएंगे ग्रेटेस्ट नंबर एंड स्मॉलेस्ट फोर डिजिट नंबर तो चलिए देखते हैं दैट इज़ द सेवन थ्री वन एंड इन ओके okay. तो ये हमने लिखे है यहाँ पे सेवन थ्री वन नाइन अभी आपको स्मॉलेस्ट नंबर अगर बनाना है इसका ओके स्मॉलेस्ट नंबर तो स्मॉलेस्ट नंबर के लिए आपको इन्हीं नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है जैसे हमने यहाँ पे लिया था स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट ओके सो स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट दैट इज़ वन ओके देन आफ्टर थ्री आफ्टर सेवेन एंड द लास्ट इज़ नाइन सो वन थाउजेंड थ्री हंड्रेड सेवेंटी नाइन इज अ स्मॉलेस्ट नंबर एंड विच इज़ द ग्रेटेस्ट नंबर दैट इज ग्रेटेस्ट नंबर इसी नंबर को आपको क्या करना है डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है मतलब ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट सो नाइन सेवेन थ्री एंड वन तो ये हो गया आपका ग्रेटेस्ट फोर डिजिट नंबर ओके स्टूडेंट दूसरा एक नंबर देख सकते हो कि एट वन थ्री फोर ग्रेटेस्ट नंबर फॉर्म करना है ओके विच नंबर ग्रेटेस्ट नंबर ग्रेटेस्ट नंबर फॉर्म करना है तो ग्रेटेस्ट नंबर के लिए मैंने आपको बताया क्या करना है डिसेंडिंग ऑर्डर में फॉर्म करना है मतलब ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट दैट इज एट फोर थ्री एंड वन तो हो जाएगा एट थाउजेंड फोर हंड्रेड थर्टी वन ओके तो इस तरीके से इसको सॉल्व करना है उसके बाद आते हैं कि वेन वन ऑफ द डिजिट इज़ जीरो, अगर आपके दिए हुए नंबर्स में अगर जीरो है इफ वन ऑफ द डिजिट इज़ जीरो इज इन फोर सेवन एट जीरो देन द लार्जेस्ट नंबर इज़ एट थाउजेंड सेवन हंड्रेड फोर्टी ओके लार्जेस्ट नंबर में ये बराबर आप डिसेंडिंग ऑर्डर में फॉर्म करोगे तो आपको ये लार्जेस्ट नंबर मिल जाएगा एंड द स्मॉलेस्ट नंबर इज़ फोर थाउजेंड सेवेंटी एट एंड नॉट जीरो फोर सेवन एट ओके बिकॉज जीरो फोर सेवन एट बिकॉज अ थ्री डिजिट नंबर अब यहाँ पे देखिए एक आ, जीरो से रिलेटेड दैट इज़ सेवन जीरो थ्री फोर ओके सेवेन जीरो थ्री फोर इसको आपको सबसे पहले ग्रेटेस्ट नंबर फॉर्म करना है ओके ग्रेटेस्ट नंबर तो ग्रेटेस्ट नंबर फॉर्म करने के लिए देखिए अभी ग्रेटेस्ट नंबर मैंने आपको बताया था कि आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में नंबर्स को अरेंज करना है ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट सो सेवेन फोर थ्री जीरो तो आपका ग्रेटेस्ट नंबर बन जाएगा सेवन थाउजेंड फोर हंड्रेड थर्टी ओके अभी इसी का स्मॉलेस्ट नंबर आपको अगर फॉर्म करना है ओके स्मॉलेस्ट नंबर फॉर्म करना है तो स्मॉलेस्ट नंबर फॉर्म करने के लिए आपको जब भी आप सबसे पहले स्मॉल नंबर लिखोगे तो उस स्मॉल नंबर के ऑफ्टर में आपको जीरो को यूज़ करना है ओके जैसे ही आप एक स्मॉल नंबर लिखोगे स्मॉल नंबर के बाद आपको सबसे पहले जीरो को पुट करना है लाइक like दैट मैं अगर यहाँ पे स्मॉल नंबर लिख रहा हूँ थ्री ओके तो सबसे पहले सेकेंड प्लेस में मुझे क्या करना है यहाँ पे जीरो को पुट करना है जीरो को पुट करने के बाद रिमेनिंग नंबर्स आपको लिखने हैं ओके लाइक दैट फोर एंड सेवन तो ये हो जाएगा आपका थ्री थाउजेंड फोर्टी सेवन डो यूज़ ज़ीरो बिफोर द नंबर्स ओके लाइक दैट जीरो थ्री फोर सेवेन इट इज़ अ रोंग सो दिस इज़ ओनली थ्री डिजिट नंबर थ्री हंड्रेड फोर्टी तो ये थ्री डिजिट नंबर फॉर्म होगा आपको फोर डिजिट नंबर फॉर्म करना है तो सबसे पहले एक स्मॉल नंबर आपने जो यूज़ किया है उसके तुरंत बाद आपको जीरो को वहाँ पे पुट करना है तो इस तरीके से आपका जो ये आंसर है ये करेक्ट हो जाएगा ओके okay? तो ये आपको ध्यान में रखना है और उसके बाद आपको अगर ये समझ में आया है तो मैं आपको कुछ होमवर्क दे रहा हूँ वो होमवर्क आपको सॉल्व करके देखना है ओके तो सबसे पहले कुछ ज़्यादा होमवर्क नहीं वन टू थ्री एंड फोर ओके बाकी हम नेक्स्ट पीरियड में डिस्कस करेंगे सेल्फ प्रैक्टिस टोइजी सेल्फ प्रैक्टिस टोइजी मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ दैट इज़ द फर्स्ट सेकेंड ओके फर्स्ट में क्या करना है कंपेयर द नंबर्स राइट लेस दैन ग्रेटर देन लेस देन और इक्वल साइन ओके इन सिंबल्स का यूज़ करके इनको फिल करना है उसके बाद फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग आर इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर इंडिकेट इंडिकेट बाय राइटिंग ए और डी ओके यहाँ पे आपको क्या करना है ए और डी लिखना है सिर्फ अगर ये सीरीज असेंडिंग ऑर्डर में है तो यहाँ पे आपको ये लिखना है ऑलरेडी ये लिखा है ये सेकेंड सीरीज़ अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में है तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है डी लिखना है ओके okay? ये आपको सॉल्व करके देखना पड़ेगा और ऑर्डर देखना पड़ेगा कि कैसे असेंडिंग है या डिसेंडिंग है ओके okay? ये और डी लिखना है यहाँ पे थर्ड में देखते हैं तो राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर ओके इन नंबर्स को आपको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है ओके okay? और ये आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने हैं और इसके बाद फ्रॉम ईच सेट ऑफ नंबर्स टिक द लार्जेस्ट एंड रिंग द स्मॉलेस्ट नंबर ओके यहाँ पे सबसे पहले लार्जेस्ट नंबर को टिक करना है और स्मॉलेस्ट नंबर को रिंग करना है तो आप यहाँ तक सॉल्व कीजिए सिक्स ओके सिक्स और ये हम बाद में डिस्कस करेंगे ये ध्यान में रखना अगर आपको सॉल्व करना आता है तो आप ये भी सॉल्व कर सकते हो ओके okay? अगर समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं है ट्राई कीजिए क्योंकि आप मैथ्स में जितना ट्राई करोगे जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने ही आपके कंसेप्ट क्लियर होते जाएंगे ओके क्योंकि सॉल्व किए बगैर आपको ये समझ में नहीं आएगा कि कहाँ पे मिस्टेक हो रही है या फिर कौन सा पार्ट समझ में नहीं आया जब तक हम सॉल्व नहीं करेंगे तब तक हमें समझ में नहीं आएगा ओके तो आज हम रुक रहे यहीं पर ओके थैंक यू एंड गुड बाय টেক কেয়াৰ ষ্টে হোম এণ্ড ষ্টে চেফ বাই চি ইউ টুমাৰো